मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक का वीडियो लेके आई हूँ जो है यान के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने वीडियोज़ में, जो भी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ उसमें हमने रेशे या फाइबर को पूरा कवर कर लिया है, लगभग लगभग पूरा हमने कवर कर लिया है। तो रेशो में हमने बात की थी, जैसे बेसिक आपको बताया था कि जो क्लॉथ या जो वस्त्र बनते हैं उनकी बेसिक इकाई क्या होती है, फाइबर ही होती है ना, या रेशे होते हैं। रेशों से मिलके धागा बनता है, धागों की वीविंग करके हम कपड़ा बनाते हैं, कपड़ों को सिलाई कटाई करके हम उसके क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि रेशे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं और कृत्रिम रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशों में हमने वानस्पतिक रेशों की बात की, जिसमें हमने कपास, जूट, हेम्प, कपोक, इन सब की बात की। इसके बाद हमने बात की थी जंतु फाइबर की या जंतुओं से बनने वाले रेशों की, तो जिसमें हमने सिल्क और वूल की बात की थी, ऊन की और सिल्क की। फिर हमने खनिज की बात की थी, इसमें एस्बेस्टस की बात की थी, खनिज रेशों की बात की थी। इसके बाद हमने कृत्रिम फाइबर या सिंथेटिक फाइबर में हमने मैन मेड रेशों की बात की थी, जो कि रेयॉन होता है। रेयॉन के तीन टाइप बताए थे, विस्कस रेयॉन, क्यूप्रामोरियम रेयॉन और नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन जो है, इस तरीके से अलग अलग टाइप बताए थे रेयॉन के, जिसको हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। फिर हमने सिंथेटिक फाइबर में हमने नायलॉन की बात की थी, पॉलिस्टर की बात की थी और हमने एक्रिलिक की बात की थी। तो इस तरीके से हमारा जो रेशो वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हमने उसकी गुण और विशेषताएँ भी देखी थी। तो हमने ये समझ लिया कि रेशे हमें प्रकृति में कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, है ना, और कृत्रिम रूप से भी किस तरीके से हम रेशों को बनाते हैं। अब इन्हीं रेशों की स्पिनिंग कराते हैं, यानी इन्हीं रेशों की हम क्या करते हैं, स्पिनिंग आप समझ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग, यानी कताई जैसे करके हम रेशों से ही क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं। यान को आप धागा समझ सकते हैं, जिसको हम धागा कहते हैं। तो रेशों की लंबाई तो बहुत छोटी होती है, सिल्क को छोड़ के, सिल्क के रेशों की लंबाई बड़ी लंबी होती है। तो सिल्क को छोड़ के बाकी जितने भी रेशे, प्राकृतिक रेशे जो भी हैं, प्राकृतिक रेशों की बात कर रही हूँ, उनकी लंबाई छोटी ही होती है। तो हम उनकी स्पिनिंग करा के, उनकी कताई करके, उनको एक बड़े धागे के रूप में लेकर आते हैं और फिर इसी धागे से ही हम बुनाई करके कपड़ा बनाते हैं और फिर इन्हीं कपड़ों की हम कटाई करके, सिलाई करके अपने लिए पहनने योग्य वस्त्र बनाते हैं। तो रेशों की बात तो हमने कर ली थी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे यान की, है ना, यान यानी धागा। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये है टाइप ऑफ यान के ऊपर, जिसमें हम यान की बात कर रहे हैं। स्पन यान होता है, दो तरीके के यान होते हैं, एक होता है स्पन यान, दूसरा होता है फिलामेंट यान। तो यान क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, रेशों की ही स्पिनिंग करके, रेशों की ही कताई करके हम क्या बनाएंगे, यान बनाएंगे। तो स्पन यान और फिलामेंट यान दो तरीके के यान होते हैं। स्पन यान देखिए, इसको हम स्टेपल फाइबर से ये बनते हैं। स्टेपल फाइबर का मतलब जो छोटे फाइबर होते हैं, जो लंबाई में छोटे होंगे, उसकी कटाई करके, उसकी स्पिनिंग करके हम क्या बनाते हैं, स्पन यान बनाते हैं। और फिलामेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस फाइबर से बनते हैं, यानी जो लंबे फाइबर से बनते हैं उनको हम फिलामेंट यान कहते हैं। स्पन यान या फिर स्टेपल फाइबर ये कितना होता है, 3/4 इंच से लेके 18 इंच के बीच होता है, ठीक है। इसको हिंदी में काते हुए सूत भी हम कहते हैं। अब देखिए स्टेपल फाइबर को यदि मिलाकर वृद्धि करते हुए ऐंठन दी जाए तो एक निरंतर सूत्र तैयार हो जाता है। इन तंतुओं को आपस में सटाकर व ऐंठन देकर यान बनाए जाते हैं। स्टेपन फाइबर या स्टेपल स्पन यान या स्टेपल स्पन यान किससे बनेगा, स्टेपल फाइबर से बनेगा। स्टेपल फाइबर का मतलब ही छोटे यान, छोटे जो रेशे होते हैं उनको हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। जनरली इनकी जो लंबाई होगी वो 3/4 से 18 इंच की होती है। तो स्टेपल फाइबर को ही हम एक साथ ऐंठन देते हुए, इनको एक साथ मिला के ऐंठन दे के इनसे लंबे धागे तैयार करते जाते हैं। अब देखिए स्पन यान या स्टेपल फाइबर में प्राकृतिक घुमाव, मोड़ या सटने की क्षमता होती है ना, इनमें प्राकृतिक ऐंठन होती है। इसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन
कोल्यूजन्स या क्रिम्स या कोहेंसिवनेस भी बोलते हैं। इसके कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं। प्राकृतिक रूप से इनमें ऐसी क्षमता होती है, प्राकृतिक घुमाव होता है, मोड़ होता है या सटने की क्षमता होती है, तो ये आपस में ईजिली आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। प्राचीन में देखिए, पहले हम जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते थे उसको डिस्टफ बोलते थे, जिसमें देखिए नॉच होता था, स्पिंडल होता था और वोर्ल होता था। तो इसको हम यूज़ करके क्या करते थे, बड़े धागे, स्टेपल फाइबर से हम बड़े धागे बनाते थे, यान बनाते थे। फिर देखिए फिलामेंट फाइबर या फिलामेंट यान जो होता है, इसकी गणना मीटर में की जाती है। तो पहले वाले स्पन यान को हम इंचेस में कर रहे थे, लेकिन जो फिलामेंट फाइबर होते हैं इनको हम मीटर में गिनते हैं। तो अब आपको पता है कि फाइबर से ही हम यान बनाएंगे, और किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं, स्पिनिंग के माध्यम से बनाते हैं, या इसी को हिंदी में कताई भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्पिनिंग के मेथड देख लेते हैं कि यान फॉर्मेशन के स्पिनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो देखिए, कार्डिंग सबसे पहले हम करते हैं, किसी भी जो भी फाइबर, जो भी रेशा हमको मिलेगा उसकी सबसे पहले हम कार्डिंग कराते हैं। कार्डिंग का मतलब होता है अशुद्धियों को पृथक करके इन तंतुओं को सीधा व समानांतर किया जाता है, और फिर इसकी स्लाइवरिंग या इसकी पूनियाँ बनाई जाती हैं, है ना। सबसे पहले हम कार्डिंग में इसकी जो अशुद्धियाँ हैं उसको हटाएंगे और इसको सीधा और पैरलर करेंगे एक दूसरे के, और इसकी पूनियाँ बना लेते हैं, स्लाइवरिंग करते हैं। फिर कॉम्बिंग करते हैं। अब पूनियों को एक साथ हम कॉम्बिंग यानी कंघी करते हैं, यानी सुलझाते हैं। फिर देखिए, ड्राइंग आउट का मतलब बड़े और छोटे तंतुओं को अलग किया जाता है ना। अब यहाँ पर छोटे और बड़े तंतुओं को, जिसे कंघी करने से बाल हमारे क्या होते हैं, सुलझ जाते हैं, वैसे ही कॉम्बिंग की प्रक्रिया के बाद ये धागे जो होते हैं, वो जो रेशे होते हैं, वो आपस में सुलझ जाते हैं। तो इसके बाद हम ड्राइंग आउट करते हैं, छोटे धागों को खींच के अलग कर लेते हैं, और बड़े धागों को, बड़े रेशों को, छोटे रेशों को खींच के अलग कर लेते हैं, बड़े रेशों को अलग कर लेते हैं। फिर देखिए, रोविंग करते हैं। तो ड्राइंग आउट फाइबर पर कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई की जाती है। अब तक जो तंतु आपस में समानांतर दिखाई देते थे, अब वे एक दूसरे के समीप आकर संगठित हो जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, रोविंग प्रक्रिया में हल्की सी इसमें बटाई कर देते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, आपस में एक साथ जो है संगठित दिखाई देने लगते हैं। अब स्पिनिंग में देखिए, स्पिनिंग प्रक्रिया, स्टेपल यान में हम मैकेनिकल स्पिनिंग करते हैं, और जबकि फिलामेंट यान में हम क्या करते हैं, केमिकल स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके की स्पिनिंग होती है, मैकेनिकल स्पिनिंग भी होती है और केमिकल स्पिनिंग भी होती है, है ना। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस रेशे के साथ हम कौन सी स्पिनिंग करते हैं। तो हम मैकेनिकल स्पिनिंग किसके साथ करते हैं, स्टेपल यान के साथ, और यानी जो छोटे वाले रेशे होते हैं, और जबकि फिलामेंट यान के साथ हम केमिकल स्पिनिंग करते हैं। तो देखिए, स्टेपल यान के साथ जो मैकेनिकल स्पिनिंग जिसमें हम करते हैं, इसमें ट्रेडिशनल रिंग स्पिनिंग मेथड होता है, ओपन एंड स्पिनिंग मेथड होता है, और फ्रिक्शन स्पिनिंग होती है। और जबकि जो फिलामेंट यान होते हैं, जिसमें कि हम केमिकल स्पिनिंग करते हैं, उसमें हम वेट स्पिनिंग करते हैं, ड्राई स्पिनिंग करते हैं और मेल्ट स्पिनिंग करते हैं। अब देखिए, जो पहला हमने देखा था, जिसमें कि हम मैकेनिकल स्पिनिंग की बात कर रहे थे, इसमें हम रिंग स्पिनिंग देख लेते हैं। तो रिंग स्पिनिंग जो होता है और ओपन एंड स्पिनिंग, इन दोनों को हम देख रहे हैं। रिंग स्पिनिंग ये जो होता है, यहाँ पे गुड क्वालिटी के यान तैयार होते हैं। ओपन एंड स्पिनिंग में क्या, देखिए, घुमाव डालते हुए स्पूल यानी तगड़ी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, जबकि रिंग स्पिन में हमें स्पूल की आवश्यकता होगी, तगड़ी की आवश्यकता होती है। देखिए, बहुत लंबाई वाला गठन रहित धागा तैयार किया जाता है ओपन एंड स्पिनिंग में। फिर देखिए, रिंग स्पिनिंग की अपेक्षा 3 से 5 गुना अधिक की दर से स्पन यान तैयार होता है। तो रिंग स्पिनिंग जो है ये धीमी प्रक्रिया है, जो कि जबकि ओपन एंड स्पिनिंग जो होती है ये अपेक्षाकृत तेज प्रक्रिया होती है। देखिए, मैन मेड फाइबर एक्सेप्ट रेयन के अलावा इसकी कताई नहीं की जा सकती है, क्योंकि रेशे महीन मशीन में चिपक जाते हैं, ठीक है। कब, कहाँ पर, ओपन एंड स्पिनिंग में, लेकिन रिंग स्पिनिंग से हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम जो मैन मेड फाइबर होते हैं उसकी भी स्पिनिंग हम कर सकते हैं। और कॉम्बेडेड फाइबर की कताई नहीं की जाती है, किसके माध्यम से, ओपन रिंग स्पिनिंग के माध्यम से। बाकी फ्रिक्शन स्पिनिंग क्या होती है, घर्षण कताई इसको हम बोलते हैं। ये डिस्कवर किया गया था बाय डॉक्टर अर्नेस्ट फ्रेहरर के द्वारा। इसमें देखिए, धुने हुए तंतुओं को लंबवत ड्रम के अक्ष से प्रवाहित करते हैं और छिद्रयुक्त ड्रम से निकाला जाता है। ड्रम के घूमने से उत्पन्न घर्षण से तंतुओं में आपस में ऐंठन आ जाती है।
तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ड्रम मिल लेते हैं, एक लंबवत ड्रम जो होगा उसमें हम धुने हुए कार्डिंग किए हुए रेशों को डाल देते हैं और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, छिद्रयुक्त ड्रम से इसको हम ड्रम घूमता है और धागों को खींचते हैं। तो क्या होता है कि इससे आपस में घूमने से जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो घर्षण उत्पन्न होता है उससे धागों में आपस में ऐंठन हो जाती है और वो जुड़ के एक यार्न का निर्माण करते हैं। एडवांटेज क्या होता है फ्रिक्शन स्पिनिंग का, लो कॉस्ट होता है, ठीक है, मतलब कम कीमत पे तैयार होता है, निम्न तनाव सामर्थ्य होता है इनका और अनुप्रस्थ काट में ऐंठन का वितरण समान नहीं होता है। ये कुछ कुछ चीज़ें देखी गई हैं। फिर देखिए सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग होती है, ऐंठन धागे की सतह द्वारा दी जाती है और खुरदरे पोत वाला धागा तैयार किया जाता है। तो इसमें जो ऐंठन देते हैं सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग में कैसे देते हैं कि धागे की सतह द्वारा ऐंठन दी जाएगी और खुरदरे पोत का यानी जो ट्रक्चर है वो कैसा आएगा, खुरदरा आएगा। इसमें देखिए गम मटेरियल यूज फॉर द स्टिकिंग द फाइबर्स, तो ये कह रहे हैं कि सतह पर केवल ऐंठन देते हैं, मतलब कि बहुत अंदर तक हम ऐंठन या ट्विस्टिंग नहीं करते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब बहुत अच्छे से ट्विस्टिंग नहीं करेंगे तो धागा भी बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। तो लेकिन यहाँ पर धागा अच्छा बनता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी गम मटेरियल से यानी कोई स्टिकिंग मटेरियल यूज़ करके फाइबर को आपस में जोड़ देते हैं और हल्की सी हम क्या कर देते हैं, ऐंठन दे देते हैं। इसको हम सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग भी बोलते हैं। इस वजह से रोलर एक दिशा की गति पूर्ण कर लेता है तो उसकी गति विपरीत दिशा में घूम जाती है, बारी बारी से दाएं व बाएं ओर की ओर की जाती है, जिससे क्या होता है आप अपने आप ही, क्योंकि स्टिकिंग मटेरियल होता है, चिपकाने का हम कोई सामग्री यूज़ करते हैं तो धागे आपस में ऑटोमेटिक ही चिपकते चले जाते हैं। फास्ट मेथड होता है, रिंग स्पिनिंग की अपेक्षा 10 गुना अधिक तीव्रता से हम सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग कराते हैं। फिर देखिए लो कॉस्ट होता है और लो लेबर कॉस्ट होता है। फिर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग होती है, इस विधि में आर्द्रता को सावधानी पूर्वक नियंत्रित विधि में छोटे तंतु को लंबे तंतुओं से इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हैं, उसके माध्यम से हम लंबे तंतुओं को अलग कर देते हैं, छोटे तंतुओं को अलग कर देते हैं और फिर हम इस पर ट्विस्टिंग देके दोनों तंतुओं के अलग अलग अपने यार्न बना लेते हैं, गुड क्वालिटी के फाइबर तैयार होते हैं। ट्विस्टलेस स्पिनिंग भी होती है जहाँ पर हम ट्विस्टिंग नहीं करते हैं लेकिन स्पिनिंग कराते हैं। ठीक है, तो तंतुओं को आपस में चिपकने वाले पदार्थ से चिपकाया जाता है और मजबूती उत्पन्न की जाती है। ठीक है, चिपकने वाले पदार्थ क्या हो सकते हैं, जैसे स्टार्च मटेरियल हो सकता है और देखिए पैरलर फाइबर हो सकते हैं।